हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास होंडा की साइन गाड़ी है तो आज बताएंगे हम इसमें सर्विस कैसे करते हैं होंडा साइन की। और देख सकते हैं आप किलोमीटर कुछ चलिए 46,771 और उसके बाद सर्विस करेंगे और इसमें बताएंगे आपको इसमें सर्विस में क्या क्या होता है। सबसे पहले से कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन इसकी कुछ ऐसी है। और ये सी बी साइन है होंडा की, देख सकते हैं। अब इसकी सर्विस करते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने इसकी सीट खोलनी है, सीट हमने खोल ली इसकी, चाबी इसकी वहाँ रखी है, यहाँ सीट खुलेगी इसकी। सीट खोलने के बाद हमारा फिल्टर ये रहा इसके नीचे। सबसे पहले इसका ये कवर निकालना है हमें, ये ऐसी कवर निकल जाएगा। उसके बाद 4 बोल्ट होंगे इसके, 4 बोल्ट खोलने हमें, एक ये रहा, 2 और 2 इधर की तरफ होंगे, आगे की तरफ ये दिख रहा है आपको, ये 3 और एक इधर 4, 4 बोल्ट है इसमें। 4 बोल्ट खोलते हैं फटाफट और निकालते हैं फिल्टर। अब इसके हम फिल्टर के बोल्ट खोलेंगे फटाफट। ये पहला बोल्ट हो गया इसका, ये दूसरा बोल्ट खोलेंगे और यहाँ पे तीसरा बोल्ट खोलेंगे। 4 बोल्ट होते हैं इस फिल्टर में, 4 बोल्ट खोलना है फटाफट। और एक ये रहा, ये वाला बोल्ट खोलना है हमें। अभी 4 बोल्ट खोलने के बाद इसका जो फिल्टर है, ये फिल्टर यहाँ से पकड़ना है हमें, ऐसे ये बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं कवर बाहर आ गया है इसका। फिल्टर कुछ ऐसी कंडीशन है फिल्टर की, ऐसी कंडीशन है कुछ फिल्टर की। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और सबसे पहले हम इसको थोड़ा ऐसे ऐसे देख पटक के देख लेंगे। बाकी फिल्टर की कंडीशन ज़्यादा गंदी नहीं है, ठीक है। करते हैं इसको साफ फटाफट, बने थे ये वीडियो में। ये हमारे पास एयर गन है, इसकी वजह से इसको साफ करेंगे हम। फिल्टर ज़्यादा गंदा नहीं है इसका अभी, ये ग्राहक टाइम पर सर्विस कराते हैं हमारे। अब इधर दिखाएंगे कवर की तरफ, अब थोड़ी हवा यहाँ भी मार रही है। और ये इसकी रबड़ निकल गई है, रबड़ लगाएंगे। जिससे कि पानी न जाए फिल्टर में, देख सकते हैं रबड़ हमने लगा दी है। अब फिल्टर लगाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है, ये फिल्टर है ये, इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो कोना है इसका, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ रहेगा, टंकी की तरफ रहेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे लगाना हमें। और ये बैठ गया फिल्टर। अब जो इसका ऊपर का ये कवर है, हम इसको साफ करेंगे। देख सकते हैं हमने ये साफ कर दिया, कपड़े साफ कर लेना। अब इसको हम लगाएंगे, सिंपल तरीका लगाने का, जैसे हमने निकाला था वैसे लगाना हमें। इसको ऐसे लगाना है हल्का सा, और देख सकते हैं ये कवर लग चुका है। अब इसके 4 वोल्ट हम पेचकस वाला टाइट करेंगे, पेचकस की मदद से। हमारा पहला स्कूल पेच ये है, क्रॉस वाइज टाइट करेंगे इसको। दूसरा इधर है, इधर दिखाइए, इसको क्रॉस में हम टाइट करते हैं क्योंकि फिल्टर का कवर सही से बैठ जाए। अब इधर दिखाइए, देख सकते हैं हमने इसके 4 बोल्ट टाइट कर दिए। अब जो ऊपर का ये कवर था, हम इसे लगाएंगे।
हमने साफ कर लिया है। अब तो सिंपल तरीका लगाने का, देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगेगा फिल्टर। ये दोनों बोल्ट में फंसाना है, क्या दिखाइए जरा, ये देख सकते हैं दोनों को हमने फंसा दिया बिल्कुल। दो बोल्ट यहाँ फंसेंगे, दो नक्के यहाँ फंसेंगे और दो नक्के यहाँ पे फंसेंगे, ठीक है। ओके ब्रेन, चलते हैं इसका फटाफट तेल निकालते हैं, हम बने रहिए वीडियो में। देखिए एक हमें खाली डब्बा लेना है और इसमें लगेगी 12 की गोटी, देख सकते हैं इसमें 12 की गोटी लगेगी। दिख रहा है बारह बिक गया। चलो अब इसको यहाँ लगा रहे हैं, कितना हुआ इसका कर लो। ये हमारे पास 12 ही गोटी है, इससे इसकी मदद से हम खोलेंगे। हल्का में चोट मारना है क्योंकि मट्टी लगी हुई है इसमें। अभी हमने देख सकते हैं खुल चुका है, और डब्बा में खाली लेना जिससे कि हमें पता चले कि तेल पूरा निकलना नहीं निकलता, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने तेल इसका निकाल दिया है, जिस तरह से तेल निकल रहा है इसमें लग रहा है पूरा तेल निकलेगा। और तेल जब तक निकल रहा है जब तक हम चलते हैं पलक खोलते हैं इसका। तो चलिए पलक की तरफ, 17 का पाना लेना है, 16 का पाना लगेगा इसमें, 16-17 का पाना लेना है। अरे प्लग क्या हटा के हटा दिया हमने, इसका प्लग खोलते हैं और देखते हैं कि प्लग की क्या कंडीशन है। और ये प्लग हमारा ढीला हो चुका है, और इसमें लंबी चूड़ी का प्लग डलता है। प्लग हमारा सही है, इसको साफ करेंगे, प्लग को फटाफट साफ करते हैं। प्लग ब्रेक मार दो, देखो तो देखिए दोस्तों टायर खुल रहा है इसमें। हाँ भाई साहब है, देखिए टायर खुल गया। अब इसका दूसरा काम, अब इसका पलक हमने साफ कर लिया, देख सकते हैं बिल्कुल देखिए साफ हो गया पूरा। अब इसको थोड़ा सा हमें हल्का सा चूड़ी पे तेल लगाना है कि जिससे कि ये अगली बार जब खुले तो कोई दिक्कत ना करे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बार हमें यहाँ पे हाथ रख के किक भी मारना है जिससे कि इसमें जो कचरा वो निकल जाए, देख सकते हैं। एक दो बार हमें किक मारनी है खाली थी, उसके बाद हमें पलक लगा देना वापस। सिंपल तरीका जैसे हमने खोला था वैसे पैक करना है इसको, और जब हमने पलक लगा दिया इसका। अब इसका चलते हैं पहिया खोल रहे हैं हम, और फटाफट पहिया खोल के बताते हैं आपको इस पहिए में क्या करना है। तुम्हारा हो गया हा? तुम्हारा हो गया मेरा। अब इसका देखो, सबसे पहले इसका ये ऊपर का नट खोलना है, और एयर गन की मदद से इसकी थोड़ी एयर मारनी है, क्योंकि बचा हुआ तेल इसका पूरा निकल जाता है सही से, वो बाहर आ जाए। तो हमने इसमें हवा मार दी है। अब इसका हम ऑयल के नट लगाएंगे, और ऑयल के नट पे हमने इस पर बोल्ट लगा लिए, देख सकते हैं बोल्ट लगी हुई है कि ये बाद में लीकेज ना करे, देख सकते हैं। अब इसको ऑयल के नट को लगाएंगे, चलते हैं फटाफट। फोन नीचे कर लेना, गोरुलाल।
अभी हमने बोल्ट लगा रहे हैं, फटाफट लगाते हैं इसको। और ये 12 कैंडल गोटी से मैं दोबारा जैसे हमने खोला था वैसे टाइट कर देना हमें। अब चलते हैं फटाफट से डालते हैं तेल। अब तेल हम डालेंगे इसमें कैस्ट्रोल का, और इसमें डालने वाले हम कैस्ट्रोल का एक्टिव तेल 3x पावर वाला, 3x प्रोटेक्शन। और ये तेल डालेंगे, सबसे बेस्ट तेल है इसके लिए कैस्ट्रोल का, शाइन गाड़ी के लिए। एक हमें लेने कुप्पी, कुप्पी में लगा लिया, देख सकते हैं। ऐसे खुलता है जैसे कूपन का है। अब देख तेल डालते हैं फटाफट इसमें। अब इसमें कैस्ट्रोल का तेल डाल लें जिससे कि इसकी माइलेज बिल्कुल परफेक्ट रहती है, क्योंकि एक रोज की 100 किलोमीटर चलाते हैं, तो इसलिए इसमें कैस्ट्रोल डलवाते हैं भाई। और कैस्ट्रोल से गाड़ी का पिकअप जो है बहुत बढ़िया रहता है। और करें कैस्ट्रोल का तेल जिससे कि आपकी गाड़ी की इंजन बिल्कुल बेस्ट रहे, और जो पिकअप है आपका वो बढ़िया रहे, और एवरेज भी बहुत बढ़िया दे। तेल हमने डाल दिया है, अब इसका ये ऊपर का ऑयल गेज लगाएंगे हम। फटाफट लगाते हैं इसको और चलते हैं पिछले पहिए की तरफ। ये हमने टाइट कर दिया है, अब पिछले पहिए पे चलते हैं हम। देखो ये पिछला पहिया खुल गया है, ये हम इसको फिट करेंगे, इसको फिट कर रहे हैं। देखिए Thank you.